हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुमैया। तो आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी बेसन हल्दी सोप, जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमारी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे स्किन को लाइट एंड वाइट एंड बनाता है। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना, बहुत ईजीली आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस सोप को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन यानी के ग्राम फ्लोर, इसकी 2 स्पून हम ले लेंगे। और अब जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक यानी के हल्दी, तो थोड़ी सी हम हल्दी ले लेंगे, देखिए इतनी, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो थे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट। अब जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट है वो है हनी, हनी चाहिए हमें। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल, और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। यहाँ मैं मोल के लिए ये डिस्पोजेबल ग्लास का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा या कंटेनर ले सकते हैं। और उसमें हमें लगानी है पेट्रोलियम जेली, जिससे कि हमारा सोप इसमें चिपके नहीं। तो अच्छे से हम इसमें लगा लेंगे। तो अब हमें चाहिए पियर्स सोप, हम ले लेंगे कोई भी, आप ग्लिसरीन सोप ले सकते हैं, मैं यहाँ पियर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसे हम ले लेंगे। अब हम ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर लेंगे। इसे हमें डबल बॉयलर मेथड से ही मेल्ट करना है, डायरेक्ट आंच पर नहीं रखना है, अदरवाइज ये जल जाएगा, तो इसलिए हम इसे डबल बॉयलर मेथड से ही मेल्ट करेंगे। ये धीरे धीरे इस तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आप इसे एज अ फेस वॉश या एज अ बॉडी वॉश कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट मिलाए हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए ये मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें हल्दी और बेसन का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे। हमें एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर हम इसमें मिक्स करेंगे। घर पर इसे आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। अब जो हमारा बचा हुआ इंग्रेडिएंट रह गया था, जो हमने मिक्सचर बनाया था हल्दी बेसन का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये काम हमें आंच पर ही करना है, क्योंकि गाइस ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है, तो इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट थे वो हमें इसमें ऐड करने हैं। 1 स्पून हम ले लेंगे ऑलिव ऑयल की यानी के जैतून का तेल। हमारा जो अब सेकेंड इंग्रेडिएंट था वो था एलोवेरा जेल, तो 1 स्पून ही हम एलोवेरा जेल की ले लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन स्पून ही हम इसमें हनी की ऐड करेंगे यानी के शहद।
और इन सब चीजों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हनी एक वाइटनिंग एजेंट है जो हमारे स्किन को लाइट एंड वाइटन करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करता है। गाइज, आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि मोल आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है। तो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पर भी या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो गाइज, आधा घंटा हो गया है और हमारा सोप भी बनकर रेडी हो चुका है, देखिए। तो अब हम इसमें से इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छा सोप है हमारे स्किन के लिए, ये हमारे स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाता है, हमारे स्किन को लाइट एंड वाइटन करने में हेल्प करता है और साथ ही हमारे स्किन पर जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें भी दूर करता है। ये हमारे स्किन से टैनिंग को दूर करने में हेल्प करेगा। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।